हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। पहला, ये जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि टेम्परेचर और हीट एक ही चीज समझ लेते हैं। बच्चों, टेम्परेचर और हीट दो अलग अलग टर्म्स हैं। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई बॉडी कितनी ठंडी है या कोई बॉडी कितनी गर्म है, ये बताता है हमें टेम्परेचर। हीट क्या है? हीट वो एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। ओके, तो बच्चों ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, ओके, और हीट निकाल लेने से टेम्परेचर कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, वो है हीट के दो फंक्शंस होते हैं। बच्चों, ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है आपके लिए। वो पॉइंट क्या है? हीट के दो मेजर फंक्शंस हैं। नंबर वन, हीट टेम्परेचर इंक्रीज करती है, और नंबर टू, हीट स्टेट को चेंज करती है। अब बच्चों, कब हीट टेम्परेचर इंक्रीज करती है और कब स्टेट को चेंज करती है? जब कोई भी बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर होती है या अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, उस वक्त आप उसको जो हीट देंगे वो हीट उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करेगी, वो उसकी स्टेट चेंज करेगी। लेट सपोज आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। अब अगर आप उसको हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि उसकी स्टेट चेंज होगी, वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। ओके, इसी तरह सेकेंड जो इसका फंक्शन है वो क्या? टेम्परेचर इंक्रीज करना है। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या अपने मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं होती, यानी इसके अलावा किसी भी टेम्परेचर पर होगी, अब आप उसको जो हीट देंगे वो क्या करेगी? वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। ओके, तो ये दो मेन फंक्शंस हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों, अगर हम वर्ड लैटेंट पे गौर करें तो लैटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हीट का मतलब एनर्जी और फ्यूजन का मतलब पिघलना, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। अब ये क्या है? बेसिकली हम ये देखते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो हमें नजर आ रहा है कि हम जो हीट दे रहे हैं उसने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। क्या ऐसा पॉसिबल है हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट दें और उसका टेम्परेचर इंक्रीज ना करें? यस, दिस इज पॉसिबल। कब पॉसिबल है ये? जब वो बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर या अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होगी। अब आप उसको हीट दिए जाए, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्या होगा? उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये जो स्टेट चेंज होने में हीट एनर्जी इस्तेमाल हो रही है ना, ये लगता है जैसे छुप गई है, पता नहीं कहां गई है एनर्जी। टेम्परेचर तो बॉडी को इंक्रीज नहीं कर रहा, हम तो उसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, तो वो हीट कहां छुप रही है? वो बेसिकली इस्तेमाल हो रही है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने में या स्टेट को चेंज करने में। तो बच्चों, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? ये वो छुपी हुई हीट है जो कि इस्तेमाल हो जाती है सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, क्योंकि फ्यूजन का मतलब होता है पिघलना। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए जो आप हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है, वो हीट एनर्जी बेसिकली क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये एग्जांपल समझाऊंगा ताकि फिर आपको ये क्लियर समझ आए। बच्चों, हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने आइस रखी हुई है, ये ड्राई आइस है, इसका टेम्परेचर इस वक्त -30 है। ग्राफिकली मैं यहां शो कर सकता हूं आपको, ये देखिए पॉइंट 30 पे है, हम इसको हीट दे रहे हैं। जैसे जैसे इसमें हीट अब्सॉर्ब होती जाएगी, ये हीट अब्सॉर्ब करता जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं है। अब इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मेल्ट नहीं होगी अभी। ओके, टेम्परेचर आपको बढ़ता दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट पर आने के बाद अब आप हीट तो कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हैं, लेकिन देखो बच्चों टेम्परेचर ऊपर नहीं जा रहा, टेम्परेचर ना ऊपर ना नीचे, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, टेम्परेचर सेम है। और जब तक सारी की सारी आइस लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। जब सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी, फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऊपर वाला पीक देखें, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर पहुंच जाएगा, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पर फिर स्टेट चेंज नहीं, फिर वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि स्टेट चेंज करेगा। तो मैंने आपको जो बात बताई थी वो आपको यहां पर क्लियर होगी होगी कि हीट के दो फंक्शन है, पहला क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज करती है, दूसरा फंक्शन स्टेट चेंज करती है। कब स्टेट चेंज करती है? जब अपने मेल्टिंग पॉइंट पर 0 पे आइस थी या अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर 100 पर था,
स्टेट चेंज हुई, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ। इससे हट के कोई भी टेम्परेचर था, सब पे टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये देखें, किसी भी टेम्परेचर में देख लें, सब पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हीट देते जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। ओके तो बच्चों अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या बताती है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। बच्चों एक यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर और बिना टेम्परेचर चेंज किए हम जो हीट देते हैं उसको, वो हीट क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए यहां पर जो आपने हीट दी है ना यूनिट मास को, देखें यहां से यहां तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया और ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर भी है, टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं किया और मेल्टिंग पॉइंट पर भी। टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करेगा, जब स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करता ही नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है और ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, दोनों काम होते ही तब है, मेल्टिंग पॉइंट पर होता है और टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जब एक यूनिट मास सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है अपने मेल्टिंग पॉइंट पर और बिना टेम्परेचर को चेंज किए, तो उस दौरान आपको जो हीट देना पड़ती है वो हीट एनर्जी क्या कहलाती है? आपके पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब क्योंकि ये यूनिट मास के रिस्पेक्ट से बतानी होती है हमने, जो टोटल हीट एनर्जी इसने यहां अब्सॉर्ब की वो डेल्टा क्यू एफ है, लेकिन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहते हैं? यूनिट मास कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तो इसलिए क्या करते हैं? इसको मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यूनिट मास की हीट एनर्जी आ जाएगी जो वो अब्सॉर्ब करता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके बच्चों, अब हम एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 8.1। इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से समझना आपने, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश करेंगे आपके लिए आसान बना दें। इसके बारे में बच्चों के मैंने ये सुना है कि सर ये समझ नहीं आती, ये मुश्किल लगता है, तो कोशिश करेंगे आपके लिए ये आसान से आसान हो जाए। ओके तो चलो बच्चों हम दोबारा से देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने ड्राई आइस रखी हुई है, साथ में थर्मामीटर अटैच किया। ओके अब हम लगातार यहां से इसको हीट दिए जा रहे हैं, हम हीट देते जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा। यहां से देखें -30 से इंक्रीज करता जा रहा है और जैसे ही ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, ठीक है, तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, उसका टेम्परेचर अब बढ़ना रुक गया है। आपने वहां पर टाइम नोट कर लेना, उस टाइम को आपने T1 कह देना है। अब आइस मेल्ट होती जा रही होती जा रही, जब सारी की सारी आइस मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगी उस वक्त का टाइम भी आपने नोट कर लेना, उसको T2 कहेंगे। अब सिर्फ वाटर है उसके अंदर और आप देखेंगे कि फिर से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, थर्मामीटर के ऑपरेटिंग साथ साथ चेक करते जाएंगे। अब जीरो से जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा फिर आपने टाइम नोट कर लेना T3। ओके यहां पर आपने टाइम T3 नोट कर लिया। बच्चों ये बात क्लियर कर दूं आपको कि हम इस वक्त लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने जा रहे हैं। किस तरह एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैलकुलेट करेंगे? ओके यहां पर आपने 3 टाइम नोट कर लिया। अब हीट लगातार ये अब्सॉर्ब करता जा रहा है, वो हीट जो कि यहां फ्यूजन के दरमियान इस्तेमाल हुई, यानी सॉलिड से लिक्विड में जो स्टेट चेंज हुई है उस दौरान जो हीट अब्सॉर्ब की उसको हमने डेल्टा क्यू एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके और वो हीट जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को हीट अप करने के लिए जो हीट एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की उसको बोलेंगे डेल्टा क्यू। ओके हमने मालूम करनी है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बच्चों कैसे हम मालूम करेंगे? सबसे पहले हम वो टाइम नोट कर लेते हैं, कितना टाइम लगा इसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, और साथ साथ मास का बता दें कि हमारे पास आइस का जो मास है ना, मास ऑफ आइस बच्चों वो हमारे पास लेट सपोज m है। ओके और जो टाइम लगा इसको फ्यूजन में यानी चेंज होने में फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड Tf से शो कर रहा हूं उसको, Tf की वैल्यू कितनी है हमारे पास? T2 - T1 कहेंगे। ऐसा क्यों बच्चों? ये बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हमें मिली वो 3.6 है मिनट। ओके अब यहां पे देखिए फर्स्ट कर लें कि जब आपने देखा कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा 3:05 हुए। ओके और जब आपने देखा कि ये सारी की सारी आइस मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो गई है 3:10 हो गए। अब कितनी ड्यूरेशन है कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3:10 - 3:05 तो आपको पता चल जाएगा 5 मिनट की ड्यूरेशन है, इसलिए टाइम को माइनस करते हैं। ओके तो इसी तरह से जो टाइम लगा इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने में उसको भी हमने नोट कर लिया, वो टाइम कितना है जी हमारे पास? वो TO से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। उसको क्यों नोट कर रहे हैं हम, मैं आपको वजह बताता हूं। T3 - T2
और वो वैल्यू कितनी है इसकी, 4.6 मिनट। ओके, ये दो टाइम हमने नोट कर लिया और हमने ये बताया कि मास जो है वो इसका एम है। अब बच्चों हमने करना क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी है, वो किसकी इक्वल होती है, डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाय एम। ये है डेल्टा क्यू एफ, यानी जो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने में। तो सबसे पहले हम वो हीट निकाल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको मास से डिवाइड करेंगे तो हमें एच एफ मिल जाएगी। लेकिन कितनी हीट अब्सॉर्ब हुई यहां पर वो हम इससे मालूम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इसके दौरान हीट जो अब्सॉर्ब हुई है वो कैलकुलेट कर लें। तो फिर हम कैसे करेंगे बच्चों, हम ये चेक करेंगे कि इस दौरान ये जो बॉडी है, ये जो बीकर के अंदर मैटर पड़ा हुआ है, वो किस रेट से हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है, यानी एक मिनट में कितनी हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, जिसको हम रेट ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन कहेंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये पर मिनट कितनी हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, फिर हम ये भी मालूम करेंगे कि ये कितनी है, क्योंकि हमें पता है, फर्ज कर ले हम ये मानते हैं कि एक मिनट में 10 जौल हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, ओके। और हम फर्ज कर लेते हैं कि इसको 10 मिनट लगे फ्यूज होने में, इसका मतलब है कि 10 मिनट में फिर इसने कितनी हीट अब्सॉर्ब की होगी, 100 जौल, क्योंकि एक मिनट में 10 जौल हीट अब्सॉर्ब हो रही है, तो फिर 10 मिनट में कितनी हीट अब्सॉर्ब होगी, 100 जौल। इस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको मास से डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है, ओके। तो बच्चों क्या करना है, हमने सबसे पहले निकालना कि हमारा अब एक ही है काम कि हमने रेट ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन निकालना है, हीट कितनी अब्सॉर्ब हो रही है पर मिनट, और फिर उस रेट को हमने इस टाइम से मल्टीप्लाई करना है, हमें ये हीट मिल जाएगी, ओके। अब हम कैसे निकालते हैं उसको, यहां पर कितनी हीट अब्सॉर्ब हुई और यहां पर कितना टाइम लगा, ये होता है हमारे पास रेट ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन। मैं यहां अलग से लिख देता हूं, रेट हमारे पास क्या होगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम जो लगा इसको वो टी ओ से हमने रिप्रेजेंट किया इसको, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक यानी 0 से 100 तक जाने में जो टाइम लगा उसको हमने टी ओ से रिप्रेजेंट किया, ये चीज हमें मालूम करनी है। लेकिन अगेन इसके अंदर हमें क्यू डेल्टा क्यू की वैल्यू पता नहीं है, वो कैसे मालूम करेंगे, ये बहुत आसान तरीका है। देखो बच्चों वाटर है ना, वाटर 1 किलोग्राम वाटर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4200 जौल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी 4200 जौल पर किलोग्राम पर केल्विन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है, सी इज इक्वल टू 4200 जौल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है, ये होती है। इसका मतलब यह मैंने आपको बता दिया कि अगर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 किलोग्राम मास का, तो फिर 4200 जौल हीट एनर्जी चाहिए। अब वाटर का एम मास है और उसको 0 से 100 तक हमने इसको हीट अप किया, अब कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो उसको हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले से मालूम करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आया, टेम्परेचर में इंक्रीज आया हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी कितना आ गया हमारे पास, डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों याद रखें जब हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं ना, चेंज चाहे केल्विन में हो, चाहे सेंटीग्रेड में हो, चाहे किसी और स्केल में भी हो फारेनहाइट में, वो सेम होता है। इसलिए डायरेक्ट इसको हम क्या लिखेंगे, 100 केल्विन लिखेंगे, ओके। अब 100 केल्विन वाटर का एम मास है और टेम्परेचर उसका 100 केल्विन हमने इंक्रीज करना है, तो फिर कितनी हीट एनर्जी देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हेल्प से हम ये हीट एनर्जी मालूम करते हैं, ओके। मास हमारे पास इसका एम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है बच्चों, 100 केल्विन। तो के माइनस वन और के प्लस ये कैंसिल और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, आपको मिलेगा एम मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10^5 जाउल पर किलोग्राम, ये आपको मिल गई डेल्टा क्यू यानी वो हीट एनर्जी जो यहां पर अब्सॉर्ब हुई। लेकिन हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, क्योंकि रेट निकलेगा तो फिर हम यहां पर हीट एनर्जी मालूम कर पाएंगे। रेट कैसे निकालेंगे, टोटल हीट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल हीट डेल्टा क्यू टोटल टाइम टी नॉट, ओके। तो रेट, रेट ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन मैं इसको आर से डिनोट कर रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हैं इसको, रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन हीट क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी नॉट, ये आ गया बच्चों हमारे पास रेट, ओके। तो अब हम यह मालूम करना चाहते हैं कि यहां पर कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, उसको हम किस से डिनोट करते हैं, डेल्टा क्यू एफ से।
तो हमें ये पता चल गया कि पर मिनट इतनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, यानी रेट मिल गया। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक बुक का जो रेट है ना, बुक्स का रेट क्या है, एक बुक 10 रुपए की है। अब अगर मैं पूछूं पांच बुक्स कितने की होंगी, अब पांच को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट क्या है 10 रुपीज, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 50 रुपीज आगे। ऐसे ही अब आपको पता चल गया कि रेट कितना पर मिनट इतनी हीट अब्सॉर्ब होती है, तो फिर टी एफ टाइम के दौरान कितनी हीट अब्सॉर्ब होगी। यहां से लेके यहां तक जो टाइम है ना, उसको टी एफ से डिनोट किया गया, टाइम ऑफ फ्यूजन। टाइम ऑफ फ्यूजन को आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपके पास डेल्टा क्यू आ जाएगा। अब आप मालूम करेंगे कि डेल्टा क्यू एफ यानी वो हीट जो फ्यूजन के दरमियान इस्तेमाल हुई वो फिर कितनी होगी, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे टी एफ मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन हीट। ठीक है, तो आप पूरा लिखेंगे इसको रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन हीट, मैंने शॉर्टली आर लिखा है इसको। ओके जी, अब रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन हीट कितना हमारे पास, टी एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू बाय टी नॉट। ये वाली देखिए वैल्यू, रेट किसके इक्वल था, डेल्टा क्यू बाय टी नॉट के। अब इसको रीअरेंज करके बुक में हमने यू लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू टी एफ डिवाइडेड बाय टी नॉट, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास वो हीट एनर्जी आ गई जो कि ये अब्सॉर्ब करता है ड्यूरिंग दिस टाइम, जब वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। ओके बच्चों, अब ये हमारे पास वो हीट एनर्जी आ गई, लेकिन जरा गौर करें, ये हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, यूनिट मास कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको एन से डिवाइड कर देना है और वैल्यूज पुट कर रही है, हमारे पास आ गई डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाय एम, इधर भी डिवाइड करेंगे एम से, और डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इधर भी करेंगे, इसी तरह से साथ ये भी लिख देंगे टी एफ डिवाइडेड बाय टी ओ। ओके जी, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अब ये डेल्टा क्यू एफ बाय डेल्टा एम, एम क्या होता है हमारे पास, एच एफ। बच्चों एच एफ का रिलेशन हमारे पास मिल गया, एच F इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M इंटू टी एफ बाय टी नॉट। ओके, अब डेल्टा Q की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है, ये रही डेल्टा Q की वैल्यू, यहां पर डेल्टा Q की वैल्यू पुट करेंगे, टी एफ का टाइम हमारे पास है, टी नॉट की वैल्यू भी है। ठीक है, और हमारे पास आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा हमें, एच एफ कितना है जी, एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यू एम मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, और साथ में क्या है जी, मल्टीप्लाई कर देना है हमने टाइम को, नीचे एम भी लिख देते हैं, ये वाला एम आ गया, ये वाला एम ये। ओके, और ये जहां पर टी एफ टी नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा 3.6 मिनट डिवाइडेड बाय 4.6 मिनट। ओके, तो ये m m से कैंसिल हो जाएगा, एच एफ इज इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इसकी कैलकुलेटर से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो वैल्यू मिलेगी आपको 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जाउल पर किलोग्राम। ओके, ये मिनट मिनट से कट जाएगा यूनिट, इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। अब इसकी अगर हम बात करें, एक्चुअल जो वैल्यू है हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू की, वो होती है 3.36 है। जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एच एफ इज इक्वल टू 3.36 इंटू 10 टू पावर 5 जाउल पर किलोग्राम, जो कि इसके नियरेस्ट है। तो इस तरह से हमने बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैलकुलेट कर दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।